अरुणाचल प्रदेश को लेके भारत और चाइना के बीच अभी फिर से तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अभी अरेबियन सी में एंटी सिप मिसाइल को टेस्ट करने के साथ साथ पंजाब से लगे हुए बॉर्डर इलाकों में अभी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान अभी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है और क्या तेजस में एमराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस और एमराम मिसाइल को लेकर है। एक टॉप डिफेंस न्यूज साइट में इसको लेकर एक आर्टिकल आया है जिसमें ये बताया गया है कि क्या तेजस में एमराम मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस आर्टिकल के जो भी ऑथर है वो ये कहना चाहते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एनएसएम 2 डील में भारत को M120, C7 और C8 मिसाइल को क्लियर किया गया था और इन मिसाइल को भारत चाहे तो बिना किसी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन के तेजस में इस्तेमाल कर सकता है। अभी तेजस की VVR मिसाइल की बात करें तो एक तो हमारा अस्त्र मिसाइल है और एक डर्बी मिसाइल है, लेकिन ऑथर के मुताबिक इनमें से जो प्रैक्टिकल मिसाइल है वो IW मिसाइल है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल की मास प्रोडक्शन अभी होना बाकी है और अभी तक इसको तेजस में टेस्ट नहीं किया गया है। और अगर इस मिसाइल को हम M120 C5 मिसाइल के साथ कंपेयर करेंगे जिनको पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस लगभग बराबर की है और फ्यूचर में अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट भी आने वाली है जो कि 150 और 300 किलोमीटर तक मार्क कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारे पास तेजस में सिर्फ एक ही प्राइमरी VVR मिसाइल है जो कि IW मिसाइल है। इसीलिए ऑथर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर एमराम मिसाइल को भी तेजस में इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहने वाले हैं। और अच्छी बात ये कि तेजस MK1 वेरिएंट में जो ELTA-2032 रडार इस्तेमाल किया जाता है या फिर MK1A वेरिएंट में जो 2052 रडार इस्तेमाल होने वाला है, इन दोनों के साथ ही एमराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। और वैसे भी तेजस भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए इजाजत आसानी से मिल सकती है। तो ऐसे में अगर हम एमराम मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट करते हैं तो जरूरत के वक्त हमारे पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद रहेंगे। अभी अस्त्र मिसाइल सिर्फ SU-30 MKI के लिए क्लियर किया गया है और इसे तेजस में इंटीग्रेट करने से पहले इसको कई बार टेस्टिंग करना पड़ेगा और इसकी मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट भी तैयार होने में 5 से 7 साल लगने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर एमराम मिसाइल को तेजस में इंटीग्रेट किया जाता है तो ये तेजस की VVR कैपेबिलिटी को काफी बेहतर कर सकती है। इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय करना शुरू कर चुकी है। सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि पाकिस्तान अभी अपनी LY-80 मिसाइल को बॉर्डर एरिया में ला रही है। फरवरी में इसके बारे में पता लग गया था कि पाकिस्तान अभी अपनी LY-80 मिसाइल को लाहौर में डिप्लॉय कर रहा था। लाहौर वाघा अतारी बॉर्डर से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान अभी जिस मिसाइल को लाहौर में डिप्लॉय कर रहा है उसकी मैक्सिमम रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान इन मिसाइल को 2017 से इंडक्ट करना शुरू कर चुका था और पहली बार इसको पाकिस्तान की तरफ से 2019 में लाइव ड्रिल के दौरान टेस्ट किया गया था। अब इस डिप्लॉयमेंट को लेके पाकिस्तान ये कह सकता है कि लाहौर उसका इलाका है और वो अपने इलाके में अगर LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करता है तो ये उनकी मर्जी है और इसमें उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर एरिया में लगातार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही हैवी मोटर या फिर आर्टिलरी गन का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसे तनाव वाली सिचुएशन में अगर पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करता है तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और इसके लिए हमें भी सतर्क रहना चाहिए। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। तो भारत की तरफ से अभी नॉर्थ ईस्ट की सबसे खूबसूरत स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एक नई ब्रिज को ओपन किया गया है। ये ब्रिज करीब 40 टन तक के वजन को हैंडल कर सकता है और ये आगे चल के हमको किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में ट्रूप्स आर्टिलरी या फिर लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने वाली है। इस इलाकों को लेके भारत और चाइना दोनों के बीच मतभेद रहा है और हाल ही में ही चाइना की तरफ से अपनी नए मैप में अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से अपना बताकर दर्शाया गया था। और कुछ ही दिन पहले ही पीपल लिबरेशन आर्मी के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के को किडनैप कर लिया था। अच्छी बात यह थी कि इस लड़के के दो दोस्त वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने ये बात आर्मी तक पहुंचा दिया था।
और जब ऑफिसर लेवल में बात पहुंच गई तो उनको मजबूरन हमारे नागरिक को वापस करना पड़ा था। लेकिन जरा सोचो, अगर उस दिन वो लड़का अकेला होता और पीपल लिबरेशन आर्मी के ट्रूप्स उसको किडनैप करते वक्त किसी ने ना देखा होता तो उसका क्या होता। फिलहाल अभी ये आशंका किया जा रहा है कि चाइना और भारत के बीच ब्रिज को लेके तनाव बढ़ सकते हैं, और जिस तरीके से डोकलम स्टैंड अप हुआ था वैसा कोई सिचुएशन भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्रिज भी उसी इलाके में पड़ती है। लेकिन अभी तक चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को लेके कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है। ये तो खबर वाली बात थी, लेकिन अगर असलियत की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी डेवलपमेंट हमसे काफ़ी पीछे चल रही है और इन पर सरकार की तरफ से ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूबर नॉमेडिक इंडियन का वीडियो देखा था, उसमें मैंने उसकी पूरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की सीरीज देखी। सच बताऊं वहां के लोगों के हालात देख के रोना आ जाएगा। वहां पर लोगों के पास जाने के लिए ढंग के रास्ते नहीं हैं, लोग नदी के सहारे जाते हैं। गांव में स्कूल के नाम पे छोटे छोटे झोपड़ी जैसे घर हैं, लोगों के घर के ऊपर छत नहीं है। रोजाना जिंदगी जीने के लिए वो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना मुश्किल हमने बचपन से आज तक नहीं देखा है। और सबसे बुरी बात ये लग रही है कि उनके पास अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और जो बेसिक नीड है उनके पास अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर रात में वहां पर किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाता है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वहां से 50 से 100 किलोमीटर दूर होगा और वहां जाने के लिए भी रास्ते मौजूद नहीं है, मतलब गाड़ी से आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में वो लोग कैसे जिएंगे? अगर हम नॉर्थ ईस्ट को अपना मानते हैं तो एटलीस्ट हर गांव को पक्के रास्ते, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल जैसे सुविधा देनी चाहिए और सरकार को इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं नॉमेडिक इंडियन को जानता तक नहीं, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो इंडिया का कोई भी फेमस ब्लॉगर नहीं कर रहा है जिनके पास मिलियन में सब्सक्राइबर है। और इसीलिए मैं पर्सनली आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उसकी नॉर्थ ईस्ट वाली सीरीज जरूर देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा, और उसको सपोर्ट करना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी किसी एंटी शिप मिसाइल को टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट को नॉर्थ अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था और पाकिस्तानी नेवी की स्पोक पर्सन के मुताबिक इस टेस्ट को वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट दोनों से कंडक्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट भी किया था। इससे पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि वो पूरी तरीके से तैयार है और अगर उन पर कोई हमला करता है तो वो इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।